दोस्तों वेलकम माय चैनल सेबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रिक नंबर तो ब्रिक दोस्तों कैसे निकाले। अगर कोई वॉल है राइट, तो उसमें कितनी ब्रिक यूज हुई होंगी राइट, तो वो कैसे निकाले बहुत ज्यादा इजी ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा जिससे आप दोस्तों कोई भी ब्रिक मशीनरी वॉल हो, कोई भी वॉल हो, उसके अंदर कितनी ब्रिक लगी होंगी ये एग्जैक्टली आप पता कर सकते हैं राइट। तो सबसे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रिक जो होती है दोस्तों, ये हमारी ब्रिक है राइट। तो दोस्तों ये ब्रिक जो है राइट, तो इसकी स्टैंडर्ड साइज क्या होती है राइट। दोस्तों ये ब्रिक तो है, तो पहले हमें उसकी साइज पता करनी चाहिए, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी जो थिकनेस है वो क्या है दोस्तों, वो हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वो मेजर करके दिखाता हूँ। चलिए तो दोस्तों ये ब्रिक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी साइज मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई हम मेजर करेंगे तो ये करीबन आएगी हमारी, देखिए स्टैंडर्ड साइज जो है उसके हिसाब से, यहाँ पे इंच तो नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ 22.5 सेंटीमीटर बराबर 9 इंच के करीब होता है। तो ये दोस्तों ये जो है हमारी 22.5 सेंटीमीटर के करीब हमारी ये जो है ब्रिक है राइट। तो इसकी लेंथ दोस्तों कितनी आई, 9 इंच। ओके, अब दोस्तों इसकी वीथ कैलकुलेट करते हैं। तो वीथ देखिए, आप देखिए वीथ जो है 4 इंच के करीब यहाँ पे है राइट। वीथ 4 इंच के करीब देखिए, या देख सकते 4 इंच के करीब आप स्केल में यहाँ पे देख सकते 4 इंच की वीथ है। और थिकनेस की बात करें राइट दोस्तों, थिकनेस हम देखिए तो ये कितनी आ रही है, देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 3 इंच के करीब दोस्तों इसकी क्या है, थिकनेस है राइट दोस्तों। तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों हमें अब साइज पता चलिए कि ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या है, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच राइट। ये दोस्तों आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में दोस्तों बहुत सारी अलग अलग साइज की ब्रिक आती है, एग्जैक्टली सेम साइज की नहीं आती, बट ये स्टैंडर्ड साइज है कि हमारी ब्रिक जो है ये साइज की होनी चाहिए राइट दोस्तों। अब दोस्तों नंबर तो ब्रिक कैसे कैलकुलेट करना है वॉल में से, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि स्टैंडर्ड साइज हमारी क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड साइज जो है हमारी वो है 9 इंच बाय 4 इंच बाय राइट दोस्तों, 9 इंच बाय 4 इंच बाय कितना है हमारा, 3 इंच राइट दोस्तों, 9 इंच बाय 4 इंच बाय हमारा कितना है, 3 इंच। ओके, तो दोस्तों ये सिर्फ ब्रिक की साइज है, बट जब वॉल के अंदर दोस्तों क्या होता है, मोर्टार भी तो होता है राइट, ये मोर्टार के साथ लगती है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिक की जो साइज है वो मोर्टार के साथ क्या बनती है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए जनरली क्या होता है, 1 इंच का जो मोर्टार की थिकनेस होती है वो 1 इंच होती है, मतलब आप ये अलग ब्लू कलर देख रहे हैं वो 1 इंच का मोर्टार है राइट दोस्तों। तो सपोज ये ब्रिक की लेंथ 9 इंच है, जैसे मैंने बताया कि ये अगर 9 इंच है तो ये जो मोर्टार देख रहे हैं आप टोटल 1 इंच का हुआ, तो आधा इंच ये ब्रिक में, आधा इंच ये ब्रिक में राइट। तो आधा इंच यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ से भी क्या होगा आधा उधर प्लस होगा, आधा इधर प्लस होगा, ब्रिक मोर्टार लेना है तो टोटल उसकी जो साइज बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी, वो बन जाएगी दोस्तों 10 इंच राइट। उसी तरह से दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे ये थिकनेस हमारी कितनी है राइट, थिकनेस कितनी है हमारी 4 इंच, तो 4 इंच के ऊपर आधा इंच मोटर, आधा इंच मोटर आएगा राइट। तो ये दोस्तों थिकनेस हमारी कितनी है, 3 इंच, और ऊपर से आधा इंच, नीचे से आधा इंच, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी हमारी, 4 इंच राइट दोस्तों। तो विथ मोटर साइज क्या बनती है हमारी, 10 इंच बाय विथ। देखिए दोस्तों विथ में कुछ चेंज नहीं होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर भी मोटर नहीं और यहाँ पर भी मोटर नहीं, तो हमारी जो विथ है वो जैसी की तैसी रहेगी राइट, क्योंकि हम सिंगल वॉल के लिए काम कर रहे हैं। अगर डबल वॉल में काम करेंगे तो हमें विथ में भी मोटर प्लस करना पड़ेगा, बट सिंगल वॉल के लिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों विथ हमारी 4 इंच ही रहेगी, बट हमारी जो थिकनेस है ये जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 4 इंच राइट, जैसे मैंने बताया। तो विथ मोटर हमें साइज मिल जाएगी, तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आपकी जो ब्रिक की साइज है उसमें क्या करना है, लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट में 1-1 इंच आपको प्लस कर देना है, लेंथ और हाइट में 1-1 इंच आपको प्लस कर देना है, विथ में हमें प्लस नहीं करना। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जो वॉल है उसके अंदर कितने नंबर जो ब्रेक लगी है वो कैसे निकालना है, तो वो दोस्तों बहुत ज्यादा इजी है। आप अपनी वॉल की साइज मेजर कर लीजिए, देखिए मेरी वॉल की साइज है 12 फीट बाय 6 इंच,
और उसकी हाइट कितनी है 10 फीट बाय 4 इंच। थिकनेस की जरूरत नहीं है, थिकनेस कितनी होती है विड्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि विड्थ कितनी होती है 4 इंच के करीब है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट दोस्तों, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एरिया ऑफ वॉल निकालना है। राइट, लेंथ ऑफ वॉल कितनी दोस्तों 12 फीट और 6 इंच, और हाइट ऑफ वॉल कितनी है दोस्तों 10 फीट और 4 इंच। राइट दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो वॉल है उसका एरिया निकालना है, ये जो सरफेस एरिया है वो निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें जो है ये फीट और इंच इंच में है, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए आपको पता ही होगा कि 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। राइट दोस्तों, 1 फीट बराबर कितना होता है 12 इंच। तो हम इस लेंथ को कन्वर्ट करेंगे, तो लेंथ को कन्वर्ट करेंगे 12 फीट है, तो 12 फीट को हम कन्वर्ट करेंगे 12 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 6 इंच, तो ये कितना हो जाएगा 150 इंच। उसी तरह से ये जो हाइट है उसको भी कन्वर्ट करेंगे, 10 फीट है 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट ये करीबन हो जाएगा 124 इंच। राइट, अब दोस्तों एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वॉल, बॉल का एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों 150 इंच बाय 124 इंच, ये कितना हो जाएगा करीबन 18600 के करीब, 18600। राइट, 18600 कितना हो जाएगा, ये होगा इंच स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपका भी आपकी जो ब्रिज है ब्रिज मोटा उसका भी आपको एरिया लेना है। तो एरिया जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ इनटू हाइट किया, हमने क्या मल्टीप्लाई किया लेंथ इनटू हाइट, वैसे ही ब्रिज एरिया में भी हम क्या करेंगे, ब्रिज फेस एरिया उसे नाम दे देते हैं। तो ब्रिज का फेस एरिया हम निकालेंगे, तो हम उसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रिज की लेंथ और ब्रिज की हाइट। तो दोस्तों ब्रिज की लेंथ कितनी है 10 इंच, और ब्रिज की हाइट कितनी है 4 इंच। राइट, तो दोस्तों अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 44 इंच। राइट, अब नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल कितना है 18600 डिवाइड बाय 44, तो ये हो जाएगा आपका करीबन 422 नंबर ऑफ ब्रिक। राइट दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर ऑफ ब्रेक पता चले आपके वॉल में कितने नंबर ऑफ ब्रेक लगने वाली है, तो सबसे पहले ब्रेक की साइज मेजर कर लीजिए। राइट, साइज मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो लेंथ और हाइट है, राइट उसकी जो लेंथ और हाइट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1-1 इंच आप प्लस कर दीजिए, जो भी साइज आपके ब्रेक में, लेंथ और हाइट में हमें 1-1 इंच आपको प्लस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल आपका वॉल का जो एरिया है दोस्तों वो इंच में लेना है। अगर आप वॉल की जो लेंथ है राइट फीट में मेजर किया तो उसे इंच में कन्वर्ट कर लीजिए। राइट, तो एक बार इंच में कन्वर्ट होने के बाद आप वॉल का एरिया निकाल लीजिए, वॉल का एरिया डिवाइडेड बाय आप अपने ब्रिक का एरिया लीजिए। ब्रिक का एरिया कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके और दोनों को डिवाइड कीजिए एक दूसरे से, तो वो आपको मिलेगा नंबर ऑफ ब्रिक। राइट दोस्तों, और दोस्तों डबल वॉल में कुछ नहीं होगा, डबल वॉल में सिर्फ आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ब्रिक की क्वांटिटी एग्जैक्टली मिलेगी। राइट दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ब्रिक मेजरिंग वॉल जो है दोस्तों इसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.